एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी क्वीन। आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को एक रिव्यू देने वाली हूँ जो कि है मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स के बारे में। ये देखिए, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, मुझे ये 122 का मिला है विथ नो डिलीवरी चार्जेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 पीसेज हैं और इसके साथ एक बहुत बढ़िया से ये हैंडल भी है। हैंडल में आप इसे आराम से टांग सकती हैं, इससे आप लोगों को इसके अलग होने की या खोने की कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, सारे पीसेस एक साथ रहेंगे। इसका हैंडल यहाँ से खुल जाता है, ये देखिए, यहाँ से आप एक एक करके इसके सारे पीसेस निकाल सकते हैं। ये अलग हो गया, एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें ये मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी। आपके पास अगर मेजरिंग स्पून्स नहीं है तो आप उसे ले लें, और अगर है तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी आप अभी नहीं ले सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है या आप कहीं बाहर हैं कुछ भी, बट आपके पास अगर ये नहीं है, इन दैट कंडीशन मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप इसे निकाल के आप उतना तो समझ ही जाएंगे कि कितना होगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। स्पून्स मेरे पास 4 हैं और कप्स भी मेरे पास 4 ही हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी स्पून से। ये देखिए, ये है टी स्पून, इसमें यह देकर रखा हुआ है 1/4 टी स्पून, और ये इतनी छोटी है। आप देखते हैं दूसरी वाली, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। अब ये दूसरी है, ये देखिए, यहाँ पर इसमें दे के रखा है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, ये इतनी बड़ी है। थर्ड वन इज़ 1 टीस्पून। मैं अपनी क्वांटिटीज़ में हमेशा टीस्पून्स और टेबलस्पून्स और कप्स का मेजर लिखती हूँ, आप लोगों को हमेशा वहाँ से लेने में प्रॉब्लम होती होगी। ये इंक पता नहीं कहाँ से लग गई है, चलिए कोई बात नहीं, ये टीस्पून है। अब ये है 1 टेबलस्पून। सबसे अच्छी बात ये है कि इन सारे स्पून्स में यहाँ पर भी मेजर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 टीस्पून, और अगर आप इसे यहाँ तक फुल करेंगे, इट मीन्स ये वाले में अगर आप फुल करेंगे तो ये 1 टीस्पून होगा, और अगर आप यहाँ तक फुल करेंगे तो ये 1 टेबलस्पून हो जाएगा। तो आप चाहे तो एक स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। इन सब में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 1/2 टीस्पून है, और अगर आप इसे फुल करेंगे तो ये 1 टीस्पून हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक स्पून से भी इसे मेजर कर सकते हैं। और अब चलते हैं कप की तरफ, ये सबसे छोटा कप है, यह है 1/4 कप, यानी कि 30 ml। इसे आप लिक्विड भी मेजर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कोई भी इंग्रेडिएंट मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी साइड में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ तक फिल करते हैं, यानी कि हम अगर इसे यहाँ तक फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेबलस्पून्स, और अगर हम इसे फुल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टेबलस्पून्स, यानी कि आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। बट अगर 1 टेबलस्पून की बात है तो 1 टेबलस्पून आप यहाँ से ही मेजर करें। अब ये सेकंड कप है, सेकंड कप है 1/2 कप, यानी कि 60 ml। अब ये यहाँ पर बनता है 4 टेबलस्पून्स और 8 टेबलस्पून्स, ये देखिए। और इसमें जो था, ये अगर आप इसी, ये सबसे छोटा कप है, सॉरी, ये सबसे छोटा कप है, अगर आप इसे 2 बार डालेंगे तो ये यही वाला कप बनेगा, यानी कि 1/2 कप। ये थर्ड कप है, थर्ड कप है 2/3 कप, तो 2/3 कप में, यानी कि 120 ml। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है 5.1/3 टेबलस्पून, और ये है 10.1
2/3 tablespoons. और ये सबसे लार्ज कप है, लार्ज कप है यानी कि 1 कप 240 ml. तो ये देखिए यहाँ पर भी ये 16 tablespoon बनता है अगर आप पूरा फिल करेंगे, और अगर आप यहाँ तक रखेंगे अपनी क्वांटिटी तो ये 8 tablespoons बनेगा, और यहाँ तक में 4 tablespoons बनेगा. ये देखिए यहाँ पर अंदर के साइड भी इसकी क्वांटिटी नापने को लिखी हुई है जैसा कि ये बाहर है. और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप अगर लेफ़्ट हैंड हैं यानी कि आप लेफ़्ट हैंड से वर्क करते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह से पकड़ेंगे और सारा सामान यहाँ से आप इसे डाल सकते हैं. और अगर आप राइट हैंड हैं तो आप राइट हैंड से भी इसे यहाँ से डाल सकते हैं. तो ये दोनों लोग जो जिस हाथ से भी अपना काम करते हैं ये दोनों तरफ से अच्छा है. चलिए अब मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताती हूँ, इसकी क्वांटिटी कितनी है. यहाँ पर मैंने एक प्लेट रखी हुई है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल्दी से, क्योंकि हल्दी की क्वांटिटी सबसे कम ली जाती है, तो हल्दी से मेजर करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैंने ये सबसे छोटी वाली टीस्पून्स ली है, ये देखिए 1/4 टीस्पून. तो चलिए अब इससे हल्दी निकालते हैं. सबसे पहले मैं इसे पूरा फुल करके लूँगी. ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे फुल करके लिया है. अब अगर हम इसे प्लेट में डालेंगे तो ये बन रही है 1 pinch, यानी कि हम ऐसे करके इसे उठा सकते हैं. और अगर हम लेंगे 1/2 teaspoon, तो 1/2 teaspoon मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, ये 1/2 teaspoon है. तो अब 1/2 teaspoon लेने के लिए इसे थोड़ा सा कम लेंगे. ये देखिए ये मैंने सिर्फ अंदर वाले में ही रखा हुआ है. ये देखिए सिर्फ अंदर वाले में, इट मीन्स ये 1/2 teaspoon है. ये 1/2 teaspoon की क्वांटिटी हो गई. सो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे क्लियर करूंगी. अब मैं अपनी सेकेंड वाली स्पून से काम करूंगी. अब सेकेंड वाली स्पून से मैं लूंगी गरम मसाला. गरम मसाले के लिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 teaspoon ली है. अब 1/2 teaspoon सबसे पहले मैं फुल करके लूँगी, क्योंकि जब फुल करके लूँगी तो ये 1/2 teaspoon बनेगी, और अगर हाफ करके लूँगी तो ये 1/4 teaspoon बनेगी. ये देखिए चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को. ये देखिए यहाँ पर मैंने फुल ली है, इसकी डबल, यानी कि ये मैंने 1 pinch लिया था 1/4 teaspoon, इसे अगर डबल कर देंगे तो ये वाली टीस्पून बनेगी. और यही अगर मैं छोटी वाली लूंगी ये देखिए अब मैं यहाँ पर अगर छोटी वाली लूंगी तो ये वाली टीस्पून इसकी डबल बनेगी, 1/2 teaspoon की डबल ये 1 teaspoon बनेगी. अब मैं लूंगी थर्ड क्वांटिटी. थर्ड क्वांटिटी में मैं 1 teaspoon लूंगी. 1 teaspoon हम ज़्यादातर रेड चिली पाउडर यूज़ करते हैं, ये है 1 teaspoon. अब मैं इसे रेड चिली पाउडर निकालूंगी. ये देखिए ये यहाँ पर हीपफुल है. आप लोगों को इससे कुछ तो अंदाज़ा मिल ही रहा होगा कि ये कितनी टेबल स्पून्स है और कितनी है, आप कितना निकाल सकती हैं इससे. आप चाहें तो इस अकॉर्डिंग आप अपने घर के स्पून से भी निकाल सकती हैं. अब अगर इसका 1/2 teaspoon लेंगे
यानी कि पूरा फुल करके नहीं, तो ये इतना होगा, यानी कि ये बनेगा हाफ टी स्पून। ये देखिए, सो अब मैं आप लोगों को 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी बताने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून हीप फुल कितना होगा, ये मैं धनिया पाउडर को मेजर करूँगी, क्योंकि धनिया पाउडर ये इसकी क्वांटिटी इतनी होगी। ये मैंने हीप फुल लिया है, ये देखिए ये 1 टेबल स्पून है, इसलिए इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। और अगर आप इसे 1 टीस्पून लेंगी तो ये 1 टीस्पून आप खुद देख सकते हैं, ये छोटा वाला रहेगा। इसकी भी मैं आपको क्वांटिटी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है 1 टीस्पून। तो चलिए, स्पून्स की मेजर मैंने आप लोगों को बता दी है, अब बढ़ते हैं कप्स की तरफ। ये मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैं मेजर करने वाली हूँ कोरिएंडर सीड्स, यानी कि खड़ी धनिया। अब ये मैं सबसे छोटे कप से स्टार्ट करूँगी, 1/4 कप इससे मैं स्टार्ट करूँगी। इसे अगर हम फुल करके लेंगे तो इसकी क्वांटिटी इतनी होगी, अब मैं लूंगी दूसरा कप। टेबलस्पून्स तो यहाँ पर लिखी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं, यह मैं फुल करके ही आपको दिखाऊंगी। यह है हाफ कप, यानी कि 60 ml। हाफ कप जो रहेगा वो यही छोटे वाले कप का 2 कप रहेगा, यानी कि अगर हम ये छोटे वाला कप 2 बार डालेंगे तो ये वाला कप बनेगा हाफ कप। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं इसकी 2 बार क्वांटिटी ये होगी। अब बाकी के 2 कप मैं आपको पानी के साथ दिखाती हूँ। इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ, अब इसे हम पानी के साथ मेजर करेंगे। ये मैं यहाँ पर 2/3 कप ले रही हूँ, ये देखिए 2/3 कप। इसे अगर हम फुल करेंगे, ये देखिए मैंने इसे लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड से भी अगर आप डालेंगे तो भी ये बराबर ही डलेगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर ये होगी, अगर इसी को मैं 2 कप डालूँगी तो ये 1 कप बनेगा, यानी कि फुल कप, 1 कप 240 ml। अब इसे अगर हम फुल करके डालेंगे तो ये होता है 1 कप, क्योंकि मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में इन्ग्रीडियंट्स 1 कप और 1/4 कप और ये सारे टीस्पून्स और टेबलस्पून्स बताती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, और अगर कोई भी कंप्लेन है आप लोगों को तो आप उसे बताएं, मैं उसे इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह है 1 कप, 1 कप मैं आप लोगों को फुल करके दिखाती हूँ। ये हो गया, चलिए ये रिव्यू तो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों को भी ये टेबलस्पून और मेजर्स के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें, और कोई भी सजेशंस या कंप्लेंट्स के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।